बरेली में नवल्टी चौराहा पहलवान साहब की दरगाह के पास एस फुटवियर की दुकान और गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। थाना बारादरी क्षेत्र के पुराने शहर के रहने वाले इमरान खान की दुकान थाना कोतवाली क्षेत्र के नवल्टी चौराहा पहलवान साहब की दरगाह के पास में एस फुटवियर के नाम से दुकान है। दुकान मालिक इमरान खान ने बताया, सुबह 7 बजे के लगभग सड़क पर लगे ट्रांसफार्मर में पहले चिंगारी निकली, उसके बाद दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया और दुकान के अंदर आग लग गई, जिसमें 3 दुकानें और 3 गोदामों में आग लग गई। दुकान के पास के लोगों ने फोन करके इमरान खान को सूचना दी। इमरान खान मौके पर पहुंचे, उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इमरान खान ने बताया, दुकान और गोदामों में सारा सामान जलकर राख हो गया है, लगभग 15 लाख का नुकसान हुआ है। इमरान खान, कितनी दुकानों में आग लगी है? ये हमारे ऊपर के 3 दुकानों में आग लगी है और गोदाम में हमारे तीनों सारा माल जल गया ऊपर का। क्या बजे लगभग बात होगी? ये सुबह 7:30 की बात है, करीब 20-25 लाख रुपये माल था लगा ऊपर। किस नाम से दुकान? से हाँ, हल्की फुल्की दुकानें सब चली हैं, ऊपर नीचे की थोड़ी थोड़ी, मगर माल जो है सब हमारा रखा था ऊपर। किस कारण लगी आपको? शॉर्ट सर्किट हुआ है वो आगे से।